Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्लास टेंथ के मैथ का ये नया अध्याय है, 12वां चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए, इसके पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, उसमें हम लोग वृत्त और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। तो वो जो पिछला कॉन्सेप्ट है बेसिक वृत्त के बारे में, उसको पहले हम लोग थोड़ा सा रिविजन के तौर पर ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिएगा, वृत्त किसे कहते हैं आपको मालूम होगा कि एक निश्चित बिंदु से अगर समान दूरी पर बहुत सारा बिंदु का कल्पना किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये एक बिंदु है और इस बिंदु से समान दूरी पर, मान लीजिए कि यहाँ से इतना दूरी पर एक बिंदु, फिर इतना ही दूरी पर यहाँ एक बिंदु, इतना ही दूरी पर एक बिंदु, इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर अनेक बिंदु ले लें और वो दूरी को बराबर रखें और ये सभी बिंदुओं को अगर हम एक लाइन में मिला देते हैं, तो ये जो रचना हमको ऐसा घिरा हुआ तल प्राप्त हो रहा है, इसी घिरे हुए तल को हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्त। और ये जो बिंदु ले रहे थे हम लोग यहाँ पे, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्र। ये पूरा जो गोल वाला पार्ट ऐसा घिरा हुआ तल है, यही आपका क्या है? वृत्त है। और ये वाला केंद्र है। और ये जो समान दूरी, जैसे देखिए, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, ये सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। यानी केंद्र से वो जो समान दूरी पर हम लोग ऐसा रचना बनाए हैं, उस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। और त्रिज्या को हम लोग सूचित करेंगे आर से। किसे सूचित करेंगे? आप स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, ये जो गोल गोल है ऐसा रचना, इस पूरा लंबाई को हम कहेंगे वृत्त की लंबाई। क्या कहेंगे? वृत्त की लंबाई। इसी को आप वृत्त की परिधि भी कह सकते हैं, वृत्त की परिधि। इसी को आप वृत्त का परिमाप भी कह सकते हैं। तो देखिए, एक ही चीज़ का तीन नाम हो गया। ये जो पूरा गोल, जिसे मान लीजिए कि यहाँ से पकड़ करके यहाँ से ये ऐसा गोल हम पूरा यहाँ तक चलते हैं, ठीक है, तो एक चक्र हो गया यानी एक लंबाई हो गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि बोलेंगे, वृत्त का परिमाप बोलेंगे, वृत्त का लंबाई बोलेंगे। और ये कितना होता है? ये होता है 2πr, 2πr। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए केंद्र है, ये देखिए पूरा आपका परिधि है, पूरा आपका लंबाई है, परिमाप है। अब मान लीजिए कि ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, ये एक सीधा लाइन में जा रहा है। तो यहाँ देखिए, ये केंद्र है और ये वो बिंदु है जिससे हम लोग ऐसा बनाए हैं। तो ये वाला केंद्र और ये, इसको परिधि बोलते हैं। तो केंद्र और परिधि को ये जो मिला रहा रेखा, उस रेखा का नाम क्या है? त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ये केंद्र है, परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, त्रिज्या को हम लोग आर से दर्शाएंगे। तो यहाँ से यहाँ आर है, फिर यहाँ से देखिए जो केंद्र है, यहाँ से इसको भी तो परिधि को मिला रहा है, तो ये भी त्रिज्या आर हो जाएगा। और अगर हम ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ए है और ये केंद्र ओ है और ये बी है, तो ए से ओ त्रिज्या आर, ओ से बी भी त्रिज्या आर। लेकिन अगर ए से बी लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तो ए से बी को हम लोग बोलेंगे वृत्त का व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास किसके बराबर हो जाएगा? देखिए, आर और आर, कितना आर हो गया? 2r। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा सुधार सकते हैं या इसको और बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम इसको लिख सकते हैं पाई गुना 2r, 2 गुना पाई गुना आर, गुना में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये पाई और 2 गुना आर क्या हो जाएगा? पाई 2r। यानी कि पाई और 2r क्या है? व्यास है। तो वृत्त का जो परिधि है वो 2πr से लिख लेगा, या तो फिर पाई गुना व्यास से भी आप निकाल सकते हैं, पाई गुना व्यास से। और व्यास को हम लोग सूचित करेंगे डी से। किससे? डी से, या स्मॉल डी से भी दर्शा सकते हैं या कैपिटल डी से दर्शा सकते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा वृत्त का परिमाप इक्वल टू पाई गुना डी। तो एक फॉर्मूला ये हो गया 2πr, और एक फॉर्मूला क्या हो गया?
पाई डी, किसका? वृत्त का परिमाप, वृत्त का व्यास या वृत्त की लंबाई, जो भी कह लीजिए, वो सब का हो गया 2πr। उसके बाद ये जो गोल है, ये इतना सारा जगह घेरे हुए हैं, इस जगह को हम लोग बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। इसको सूचित करेंगे कैपिटल ए से, और ये हो जाएगा पाई गुना आर का स्क्वायर, पाई गुना आर का स्क्वायर। और देखिए सब जगह जो पाई आ रहा है, तो यहाँ पाई एक कांस्टेंट है। पाई क्या है? कांस्टेंट। इसका मान 22/7 रख सकते हैं या तो 3.14 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए वृत्त के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। चाहे वृत्त के बारे में एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए कि अगर एक दूसरा रचना देखिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, एक और वृत्त लेते हैं। इस वृत्त में, इस वृत्त का केंद्र ओ हो गया। अब देखिए ये जो पूरा आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये पूरा ब्लू लाइन क्या है? वृत्त का लंबाई है, वृत्त का परिधि है। अब इस वृत्त के परिधि पर आमने सामने दो बिंदु लीजिए, एक बिंदु यहाँ तो इसके सामने एक बिंदु यहाँ, अच्छा इसके सामने एक बिंदु आप यहाँ पर भी ले सकते थे, इसके सामने आप एक बिंदु यहाँ, मतलब सामने केवल होना चाहिए। अब अगर हम ये दोनों बिंदु को ऐसे मिला दें, एक बिंदु यहाँ ले और ऐसे करके मिला दो, तो ये देखिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रेखा है, ये रेखाएँ इधर के परिधि को और इधर के परिधि को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। ये जो रेखा है इधर के परिधि को और इधर के परिधि को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। ये जितना भी लाइन है, इस लाइन का नाम आपको बताया गया था चैप्टर नंबर 10 में, इस रेखा को क्या बोलेंगे? इसको जीवा बोलेंगे। देखिए ये एक जीवा है, ये एक जीवा है, ये एक जीवा है, ये एक जीवा है, ये सभी लाइन जो आपको दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, सभी क्या है? जीवा है। ये वाला को हम क्या बोलेंगे? जीवा। अब जीवा का परिभाषा कैसे लिखिएगा? वृत्त के परिधि को मिलाने वाले रेखा को हम क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। इसमें से ये वाला जीवा आप देखिए, जो सबसे बड़ा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस जीवा का नाम क्या होगा? व्यास होगा। क्या होगा? तो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सबसे बड़ा जीवा क्या होगा? वृत्त के सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होगा? वृत्त का व्यास, ठीक है। तो ये चीज आप समझ में आ गया। हाँ, देखिए इसमें वृत्त का परिधि 2πr और एक वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, दो फॉर्मूला हो गया। अब आगे देखिए, ये वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र देखिए ओ हो गया। और अब देखिए अभी आपको समझा रहे थे कि वृत्त और इसका ये जो परिधि है, इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा? त्रिज्या। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए ए, तो ओ से ए क्या हो गया? एक त्रिज्या। एक त्रिज्या और लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे एक त्रिज्या और लेते, देखिए ये ओ केंद्र हो गया और यहाँ पर भी परिधि को मिला रहा है, तो ये भी त्रिज्या है। अब देखिए ये कुछ एंगल आप देख रहे हो कि ये बना रहा है कुछ थीटा कोण, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अगर इसको हम रंग देते हैं इस प्रकार से छायांकित पार्ट, ठीक है, तो इस वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड। तो देखिए एक परिभाषा आप याद रखिएगा, त्रिज्या खंड। और एक दूसरा चित्र आप देखिए, एक वृत्त लेते हैं और ये वृत्त का केंद्र मान लीजिए ओ है। आपको देखिए समझा रहे थे कि अगर हम वृत्त के परिधि पर एक बिंदु ए इधर लें और इसके ठीक सामने कहीं पर एक बिंदु यहाँ पर बी लें और दोनों को एक लाइन से मिला देते, ये रेखा क्या कहलाएगा? जीवा, ठीक है। अब ये जीवा है और इधर ये वाला देखिए छायांकित पार्ट हम लोग लेते हैं, तो ये वाला छायांकित पार्ट को हम लोग बोलेंगे वृत्त खंड। क्या बोलेंगे? वृत्त खंड। तो देखिए दो चीज़ हम लोग को समझना है कि त्रिज्या खंड क्या होगा और वृत्त खंड क्या होगा, ठीक है। तो दो त्रिज्या और उसके संगत चाप, देखिए ये दो त्रिज्या लिए हैं, इसका संगत चाप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का चाप है, इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा उसी क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड। तो ये बड़ा त्रिज्या खंड। उसी प्रकार से अब उल्टा देखिए, ये त्रिज्या हो गया और यहाँ से देखिए ये इतना बड़ा चाप हो गया, तो ये वाला पार्ट को भी हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड, माने बड़ा त्रिज्य खंड। और ये जो बीच में आ गया है इसको बोलेंगे लघु, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्य खंड। उसके बाद देखिए यहां पर त्रिज्यखंड हो गया, दो त्रिज्या और उसके संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या बोलेंगे?
त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए वृत्तखंड किसको कहें। देखिए ये ए और बी क्या है, जीवा है। तो जीवा और उसके संगत, ये देखिए जो आपको गोल जैसा पार्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ से यहाँ, इसको क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। क्या कहेंगे? चाप। तो एक जीवा और एक चाप के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे। त्रिज्या से घिरा हुआ रहेगा तो त्रिज्यखंड, और जीवा से घिरा हुआ रहेगा तो वृत्तखंड। देखिए ये जीवा हो गया, इधर नीचे जो रंगा हुआ पार्ट है इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, क्योंकि छोटा पार्ट है। ये जीवा है, ऊपर भी तो एक देखिए इसे करके चाप आएगा, तो ये जीवा और ये देखिए यहाँ से यहाँ इतना बड़ा चाप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड और इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। तो ये वृत्तखंड का परिभाषा क्या लिखिएगा, जीवा और उसके संगत चाप, संगत चाप से घिरे क्षेत्र को या वृत्तीय भाग को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। और वृत्तखंड भी कितने तरह से हो जाएंगे, दो तरह से, लघु वृत्तखंड छोटा वाला पार्ट और बड़ा वाला पार्ट दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब इसमें देखिए जो मेन हम लोग को टॉपिक ये पढ़ना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो अब ध्यान दीजिएगा, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर थीटा कोण ये बना रहा है तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री और गुना पाई आर स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है ना, थीटा क्या है, वो कोण है जो दोनों त्रिज्या त्रिज्यखंड को बनाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कितना का थीटा बन रहा होगा, मान लीजिए कि ये 60 बन रहा होगा, 60 रख देंगे। अब मान लीजिए कि एक देखिए यहाँ पे अगर हम बनाते चले, देखिए ये यहाँ पर केंद्र हो गया, एक त्रिज्या इधर ले लीजिए, एक त्रिज्या इधर लीजिए, अब देखिए कोण बड़ा हो गया तो थीटा का मान बदल जाएगा। तो थीटा क्या हुआ, जो त्रिज्यखंड का जो कोण बनेगा दोनों त्रिज्याओं के बीच उसी को थीटा बोलेंगे, उसी का मान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ले लीजिए दूसरा फॉर्मूला, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। देखिए ठीक है, देखिए ये त्रिज्यखंड बन रहा है, ए से बी क्या है, वो त्रिज्या खंड का चाप है, तो यहाँ से यहाँ जो है चाप उसका लंबाई कैसे निकालेंगे, तो उसका लंबाई निकालेंगे थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर करके। ठीक है, आर क्या है, यहाँ भी आर, देखिए यहाँ भी आर क्या है, ये त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। तो देखिए ये दो फॉर्मूला मेन रूप से आपको इसमें काम में आएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब देखिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का पहला प्रश्नावली देखिए 12.1 आएगा, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं कर्मशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो। तब देखिए वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है ना, मान लीजिए कि एक वृत्त का त्रिज्या आर1 है 19 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त का त्रिज्या R2 है 9 सेंटीमीटर। अब एक तीसरा वृत्त का त्रिज्या जो इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि मान लीजिए कि ये जो बड़ा वाला त्रिज्या होगा इसको मान लीजिए कि ये R है और इसी का त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करना। अब देखिए दिया हुआ है कि जो बड़ा वाला त्रिज्या है उसका परिधि दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई
आर, ये वाला जिसका त्रिज्या कैपिटल आर है, और ये किसके बराबर होगा, तो ये दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर। तो इसका परिधि देखिए 2πr1 और इसका परिधि 2πr2। अब देखिएगा 2πr इक्वल टू, दोनों में से 2π कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा r1 प्लस 2π, 2π कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू r1 प्लस r2 यानी 19 प्लस 9 कितना देगा 28 सेंटीमीटर। तो यही आपका देखिए आंसर आ जाएगा, यानी 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर वाला जो त्रिज्या है उसका परिधि का योग, अगर 28 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त लिया जाए तो उसके वृत्त के परिधि के बराबर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं कि एक R1 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और R2 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मान लीजिए कि एक बड़ा बनता है उसका त्रिज्या कितना है R है और इसको ज्ञात करना, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों त्रिज्याओं वाले जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यानी कि देखिए अगर हम बड़ा वृत्त का त्रिज्या लेते हैं आर और उसका क्षेत्रफल लेंगे तो पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर, तो 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन क्या आएगा, पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस आर 2 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से देखिएगा पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R का स्क्वायर इक्वल टू देखिए R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस R2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 यानी R इक्वल टू 34 100 और इसको इधर लाएंगे तो 100 का क्या हो जाएगा वर्गमूल होगा। देखिए स्क्वायर को इधर लाएं 100 का वर्गमूल 10, तो यानी कि जो ये वाला दिया हुआ है वृत्त का त्रिज्या वो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए इसको नोट कीजिए।